हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वी आर स्टडिंग चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। दिस इज पार्ट 3rd ऑफ द लेक्चर सीरीज ऑन दिस चैप्टर। नाउ वी विल कंटिन्यू फर्दर। हेयर आई हैव टेकन द मेन लाइंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। आई विल ऑल्सो शो यू द पेज नंबर फ्रॉम वेयर आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, उसको पहले रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सो वी हैव स्टडीड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होती हैं, क्या कौन कौन सी गुड्स इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, स्टॉक्स एंड फ्लोस, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी रेड। इन कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को इक्विप करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट बचते हैं जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बाद नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कौन कौन से मेथड्स रहते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो ये एक सारे कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे। अगर जिसको क्लियरिटी नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स में तो वो पिछले जो लेक्चर सीरीज़ का पहले दो पार्ट्स हैं उनको भी अच्छे से सुन लें। चलते हैं आगे। सो टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। हम अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम नेट इन्वेस्टमेंट ही देखना चाहते हैं कि एक साल में कितनी एडिशन हुई है कैपिटल स्टॉक में। सो यहाँ पे ये डिफरेंस क्लियर करना भी ज़रूरी है, और ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्ट कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सब है, ठीक है। तो आज ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो ऑल दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, कुछ भी एडिशन खुद से नहीं है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स इन द इकॉनमी कॉन्स्टिट्यूट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही होती हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट ही होती हैं। उनमें इंक्लूड जो नई मशीनें होती हैं, हर साल नई मशीनें इंक्लूड होती हैं इकॉनमी में, ठीक है। हम पूरी इकॉनमी की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे इंटरप्राइजेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज, फर्म्स हो सकती हैं जो अपने कैपिटल स्टॉक में और नई नई मशीन्स, टूल्स, इंप्लीमेंट्स या बिल्डिंग्स बनाती हैं और अपने कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करती हैं। लेकिन वो कैपिटल स्टॉक एक्चुअल में कितना ऐड हुआ हमें वो देखना रहता है कि एक साल में कितना ऐड हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में। तो उस अकाउंटिंग ईयर में देखते हैं हम कि इतना कैपिटल स्टॉक ऐड हुआ, लेकिन हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहेंगे, हम नेट इन्वेस्टमेंट देखना चाहेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स, सारी कैपिटल गुड्स अब तक इकॉनमी में कितनी हैं वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो अब कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है, दिस इंक्लूड्स मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, बिल्डिंग्स और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे कैपिटल गुड्स में ही आता है। बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे रोड, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, ये सब बड़ी सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे कैपिटल में ही आते हैं, कैपिटल गुड्स में ही आते हैं, क्योंकि इनसे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक नीड्स मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट, जिसको हम बेयर एंड टीयर भी कहते हैं, ठीक है। अब कैपिटल स्टॉक जो आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होती हैं साल में, ठीक है, तो वो कैपिटल स्टॉक में वो सारी एडिशन नहीं होती, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बिकॉज ऑलरेडी एज एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक नीड्स मेंटेनेंस। तो हमें जो नई चीज़ें, कुछ हम टूल्स इंप्लीमेंट्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा रहता है कि जो पुरानी मशीनें हमारी होंगी उसमें हम उन मशीनों को भी हम रिपेयर करते हैं, उसमें टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स कुछ जो पुराने हो गए होते हैं, जहाँ घिस गए होते हैं, जहाँ ख़राब हो गए होते हैं, उनको हम नए टूल्स वगैरह लगा के उनको रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि हर कोई इंक्रीज कैपिटल स्टॉक में अगर कोई नई चीज़ आती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल स्टॉक में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि वो पुरानी मशीनों को ही ठीक करने में जा रहा है, ठीक है। तो वियर एंड टीयर जो होता है, रिप्लेसमेंट, तो वो हम इंक्लूड नहीं करते, उसको हमें बाहर रखना पड़ता है कैपिटल स्टॉक से। देयरफॉर टू गेट नेट इन्वेस्टमेंट आर न्यू कैपिटल फॉर्मेशन
वियर एंड टीयर नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो वियर एंड टीयर जो रहती है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट या न्यू कैपिटल फॉर्मेशन कितनी हुई है एक साल में अगर हमें उसको देखना है। तो इसको एक्सेस करने के लिए दिस वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये वियर एंड टीयर को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन को भी हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करना ज़रूरी भी है क्योंकि एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम और वो सही मेज़र होना चाहिए। उसमें हम बियर एंड टीयर या पुरानी मशीनों को रिप्लेस करने में जो कैपिटल जा रही है वो एडिशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर आता है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो गई अब तक उसमें से जो भी एडिशन हुई कैपिटल स्टॉक में जो बियर एंड टीयर हुई मशीन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो सारी हम माइनस कर देंगे तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट इस तरह से मिलती है। तो ये आपको माइंड में रखना है व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर वी कंसीडर एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट एवरी ईयर बिकॉज द लाइफ ऑफ द मशीन मे बी 20 ईयर्स आफ्टर विच इट गेट रिप्लेस्ड। देयरफॉर वी नीड टू कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट। वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एवरी अकाउंटिंग ईयर। तो हमें जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, ठीक है, तो वो हमें हर साल कैलकुलेट करनी होती है और माइनस करनी रहती है हर साल, क्योंकि अब हमें पता है कि मशीन कोई भी अगर मशीन या कुछ बिल्डिंग या कुछ भी जो कैपिटल स्टॉक में जो भी है अगर वो हमने एक बार ख़रीद ली मशीन तो वो कंटिन्यू चलेगी। मे बी 20 ईयर्स वो मशीन कंटिन्यू रहे, बिल्डिंग रहे, है ना। तो लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो डेप्रिसिएशन तो होती रहती है ना। ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है एक साल के बाद अगले साल में मशीन में कुछ ख़राबी आए और वो उसकी रिप्लेसमेंट करे जहाँ उसमें वियर एंड टीयर कुछ डेप्रिसिएशन हो मशीन की, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए और नेशनल इनकम की सही पिक्चर पे जाने के लिए हम हर साल डेप्रिसिएशन का रेट रखते हैं कि अगर 20 साल बाद भी अगर ये मशीन रिप्लेस होती है तो पर ईयर डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें हर साल नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी रहती है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं, वी कैन यू कंक्लूड दैट डेप्रिसिएशन इज़ एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो डेप्रिसिएशन को भी कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे ही हम जो है सही पिक्चर नेट इन्वेस्टमेंट देख पाएंगे इकॉनमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहती है उसके बीच डिफरेंस भी क्लियर कर लिया। ये आपके लिए असाइनमेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्टॉक क्या क्या रहते हैं वो सब भी आपको करना है। नाउ सिंस वी नो फाइनल गुड्स इंक्लूड्स कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स के डिफरेंस ऑलरेडी आपने फाइनल गुड्स के बारे में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया है क्या होती हैं फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में कंज्यूमर गुड्स भी आती हैं और कैपिटल गुड्स भी आती हैं। दोनों के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों आती हैं फाइनल गुड्स में, ठीक है। जनरली हम फाइनल गुड्स को ही नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये भी आपने देखा कि हम फाइनल गुड्स जो कि एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो से बाहर आ चुकी होती हैं चीज़ें उन्हीं को हम फाइनल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब कंज्यूमर गुड्स रहती हैं और कैपिटल गुड्स रहती हैं। थोड़ा सा देखेंगे कंजम्पशन गुड्स क्या होती हैं। कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स डिपेंड्स ऑन परचेजिंग पावर और इनकम। तो कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर अल्टीमेटली कंज्यूम करता है, फाइनली उनको कंज्यूम करता है, फाइनल गुड्स होती हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स को अगर हम खरीदना चाहते हैं तो वो हमारी परचेजिंग पावर या इनकम पर डिपेंड करता है, ठीक है। परचेजिंग पावर और इनकम पे डिपेंड करेगा कंजम्पशन करना कंज्यूमर गुड्स की। द अदर पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स इज कैपिटल गुड्स। अब दूसरा पार्ट आता है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन खरीदता है? ये बिजनेस एंटरप्राइजेस खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? आइदर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल स्टॉक, क्योंकि कुछ मशीनें टूट फूट जाती हैं बीच में, है ना, उनकी रिपेयर हो जाती है, रिप्लेसमेंट रहती है जहाँ, तो उसके लिए जो बिजनेस एंटरप्राइज है हर साल मशीन्स जहाँ कुछ खरीदता रहता है, ठीक है। ड्यू टू वियर एंड टीयर और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, इसकी वजह से कैपिटल स्टॉक में हमेशा एडिशन होती रहती है और इस तरह से कैपिटल गुड्स को खरीदा जाता है किसके द्वारा? बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा। दस प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स कैन ईदर बी कंजम्पशन गुड्स और
कैपिटल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या हो सकती हैं, कंजम्पशन गुड्स होती हैं या कैपिटल गुड्स, दो ही आती हैं ठीक है फाइनल गुड्स में। तो दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ट्रेड ऑफ बिकॉज एन इकॉनमी ईदर प्रोड्यूसेस कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स एंड नॉट बोथ। तो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ, एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप दोनों के बीच बन रहा है, क्योंकि हम इकॉनमी की स्टडी कर रहे हैं, नेशनल इनकम मतलब कि पूरे कंट्री की इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इकॉनमी की बात कर रहे हैं, कोई एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज या ये किसी फर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर इकॉनमी को, इकॉनमी में अब पता है आपको कि लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, अगर एक जगह पे रिसोर्सेज अगर लगाने हैं तो दूसरी जगह पे कम करने पड़ेंगे, ऐसा भी रहता है ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक तरह से दोनों के बीच एक ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है, एक नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है कि अगर कंजम्पशन गुड्स को बढ़ाना है तो कैपिटल गुड्स को कम करना पड़ेगा, जहाँ कैपिटल गुड्स को अगर इकॉनमी में बढ़ाना है तो कंजम्पशन गुड्स को जो है कम करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये ट्रेड ऑफ ऐसे दिखता है इकॉनमी में, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता है, वो हम देखेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है ठीक है। ये ट्रेड ऑफ इधर हमें दिख रहा है लेकिन एक्चुअली हम कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं खुद की ही बात को कि ट्रेड ऑफ होता है, बाद में हम कहेंगे कि ट्रेड ऑफ नहीं होता है, वो मैटर ऑफ टाइम होता है और किस तरह से ये रहता है इसको आप अगले आगे देखेंगे। अभी अब हम देखेंगे किस तरह से कैपिटल गुड्स जो हैं वो एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, और जो काम जल्दी पहले काफ़ी टाइम लगता था जिस काम को करने के लिए, अब कैपिटल गुड्स की हेल्प से हम प्रोडक्शन, फास्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट सोफिस्टिकेटेड एंड हैवी कैपिटल गुड्स रेज द एबिलिटी ऑफ अ लेबरर टू प्रोड्यूस गुड्स, प्रोड्यूस मोर गुड्स ठीक है। ट्रेडिशनल वीवर इज लेस एफिशिएंट एज कम्पेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स बाय अ सिंगल लेबर। सो जो सोफिस्टिकेटेड हैवी मशीनरी होती हैं तो वो कोई भी लेबर अगर काम करेगा उस पर तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल पाएगा ठीक है। तो हम इस पे इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल वीवर जो भी कपड़े बुनता है जहाँ है ना, तो वो सिंगल लेबर कितना कम काम कर पाता है ठीक है, एक मशीन के कंपैरिजन में उसको देखा जाए तो मशीन्स जो है एक लेबर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पे नीचे एक और एग्जांपल आ रही है, ये भी एनसीईआरटी से ही है एग्जांपल ठीक है, आपको माइंड में रखनी है। तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हम देखते हैं जैसे पायरामिड्स और ताजमहल, इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं मॉडर्न स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स। सो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो इतनी ऊंची ऊंची अब बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हो, इंडिया में भी, मुंबई वगैरह में है ना, तो वो हम अभी सालों में ही बना सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में कितना टाइम लगा था, जहाँ पायरामिड्स इनको बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आज हम मॉडर्न मशीन से बहुत ही स्पीड से और कम लेबर में बहुत सारा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो अब मशीन्स जो हैं कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना का मतलब है कि हम इकॉनमी में लेबरस की एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं और अब हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ठीक है। तो उससे एफिशिएंसी इकॉनमी में बढ़ेगी और ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस होगी, इकॉनमी का लेवल बढ़ेगा ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रेड ऑफ है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में, कि हमें अगर एक को बढ़ाना दूसरे को कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो हम खुद की बात को ही क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर जो है एक उसने अगर कैपिटल गुड्स इकॉनमी में प्रोड्यूस कर ली तो कंज्यूमर गुड्स इकॉनमी में प्रोड्यूस नहीं होंगी है ना। तो एक टाइम में भी कैपिटल गुड्स पे खर्च किया जाए और बाद में वही कैपिटल गुड्स जो हैं कंज्यूमर गुड्स, ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस की जाएँ, क्योंकि आपने देखा है कि जो कैपिटल गुड्स है वो फर्दर प्रोडक्शन करती हैं ठीक है, वो एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में रहती हैं और फर्दर प्रोडक्शन भी करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो कभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं कभी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स लार्जर शेयर ऑफ एन इकॉनमी गोज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, मोर कैपिटल गुड्स मीन्स दैट इन फ्यूचर लेबरर्स वुड हैव मोर मशीन्स टू वर्क विद विच विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द फ्यूचर। अब एक टाइम में अगर हमने कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा खर्च किया है इकॉनमी में तो दूसरे टाइम में हम देखेंगे कि उन्हीं मशीन्स की हेल्प से कंज्यूमर गुड्स जो है इकॉनमी में बढ़ जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनें होंगी तो उससे ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स भी बढ़ेंगी फ्यूचर में। दस एट टाइम्स देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड समटाइम्स मोर कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी
अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकॉनमी। तो इस तरह से कभी हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और कभी ज़्यादा हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इकॉनमी की नीड के अकॉर्डिंग। जितना इकॉनमी में ज़रूरत आती है हम उतनी ही जो है कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इकॉनमी में किसकी डिमांड ज़्यादा है, कंज्यूमर गुड्स की या तो कंज्यूमर गुड्स, और प्रोड्यूसर गुड्स की या तो प्रोड्यूसर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, इन दिस वे द रिसोर्सेज ऑफ द इकॉनमी गेट डिवाइडेड ओवर टाइम एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स गेट रिजॉल्व्ड। तो किस तरह से ट्रेड ऑफ दोनों के बीच, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन के बीच खत्म होता दिखाई देता है, वो इस तरह से कि रिसोर्सेज जो है इकॉनमी में उनको डिवाइड किया गया होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं इकॉनमी में, क्योंकि इकॉनमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, जहाँ वो कैपिटल गुड्स में की तरफ लगेंगे, जहाँ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने की तरफ लगेंगे। तो इस तरह से कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स के बीच एक डिवीज़न रहती है टाइम की, कि किस टाइम ज़्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है, किस टाइम ज़्यादा कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस करनी है। तो दोनों ही इकॉनमी में प्रोड्यूस की जाती हैं, तो इस तरह से ट्रेड ऑफ दोनों के बीच रिजॉल्व हो जाता है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि किस तरह से कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स जो हैं प्रोड्यूस की जाती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है इकोनॉमिक साइकिल जो है चलता रहता है, कभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा होती हैं, कभी कंजम्पशन गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इकॉनमी में सब इकोनॉमिक साइकिल सा चलता रहता है। तो हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स जो होती हैं उनकी वजह से इकॉनमी एक्सपैंड होती है। तो अभी आगे हम सर्कुलर फ्लो भी देखेंगे कि किस तरह से सर्कुलर फ्लो चलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डील कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के साथ जो कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जा रही हैं, है ना। तो गुड्स और सर्विसेज किसके लिए प्रोड्यूस की जा रही होती हैं, सेल के लिए मार्केट में। तो अब यहाँ पे एक क्रूशियल फैक्टर क्या है, सेल कैसे हो सकती है अगर मार्केट में डिमांड हो उन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो अब डिमांड कैसे होगी, डिमांड तभी होगी अगर परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, जो भी डिमांड कर रहा है उसके पास परचेजिंग पावर होगी, तो एक नेसेसरी एबिलिटी जो है किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उस वो भी एक ज़रूरी एबिलिटी है। तो अगर किसी ने डिमांड ही नहीं की तो मार्केट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी और उन चीज़ों की प्रोडक्शन मार्केट में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं हम कि वंस एबिलिटी टू वाई कमोडिटीज डिपेंड्स ऑन इनकम वन अर्न्स एज लेबर की क्या इनकम रहती है, वेजेस, एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट्स, लैंडलॉर्ड की रेंट एंड ओनर ऑफ द कैपिटल की इंटरेस्ट। तो इनकम जनरेटेड बाय एनी वन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड टू मीट देयर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन जो भी ये इनकम कमाते हैं सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसी इनकम से ये सब डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो इस तरह से एक हम सर्कुलर फ्लो देखते हैं चीज़ों में, सर्कुलर फ्लो देखते हैं कि किस तरह से सर्कुलर फ्लो फैसिलिटेट किया जाता है मार्केट के द्वारा। ठीक है, मार्केट जो है फैसिलिटेट करती है सर्कुलर फ्लो को, वो किस तरह से, क्योंकि फर्म्स जो है क्या डिमांड करती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन सारी चीज़ों की मदद से, इन सभी फैक्टर्स की हेल्प से प्रोडक्शन मार्केट में की जाती है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरह से क्रिएट होती है, तो वो जो फैक्टर्स सारे हैं वो खर्च करते हैं, जो अर्न करते हैं, तो डिमांड होती है कंज्यूमर गुड्स के लिए। तो इस तरह से साइकिल चलता है गुड्स का, इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज का। तो पब्लिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट्स पेमेंट टू द फर्म्स एंड अनेबल्स द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, है ना। तो किस तरह से वो फर्म जो एंड ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये अर्न करते हैं, जब फर्म्स अर्न करती हैं तो फर्म्स ही कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्पेंड करती हैं। तो इस तरह से एक्सपेंडिचर एक दूसरे पे करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स की जो गुड्स बनाई जाती हैं उस पर खर्च करते हैं, और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर होगा वो फर्म से खरीदेगा, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, और इस तरह से फर्म जो है लेबर खरीदेगी, है ना। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो चलता है। तो नेक्स्ट है द सोशल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इंट्रिकेटली लिंक्ड। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन का सोशल एक्ट जो है ये बहुत ही इंट्रिकेट मैनर से एक दूसरे के साथ लिंक है, है ना। तो प्रोडक्शन की जाती है तो इसीलिए की जा रही है क्योंकि डिमांड है, कंजम्पशन किया जा रहा है इसीलिए, है ना। तो कंजम्पशन करने के लिए लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, इसीलिए मार्केट उन चीज़ों को बना रही है,
प्रोड्यूसर बना रहे हैं। तो इस तरह से ये सोशल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई के साथ लिंक्ड है। दिस जनरेट्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी थ्रू द मार्केट। तो इस तरह से गुड्स और सर्विसेज का जो है वो सर्कुलर फ्लो इकॉनमी में एस्टैब्लिश होता है। हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये सब हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर, इसी पे हो रहेगा हमारा। तो अभी आज आपने पढ़ा इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सभी कॉन्सेप्ट्स की जनरली ये कंक्लूजन ही था फाइनल में। तो किस तरह से इकॉनमी में कैपिटल जो फाइनल गुड्स जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, तो वो फाइनल गुड्स में क्या क्या आ जाता है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स किस तरह से आती हैं और हम उनको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ इकॉनमी में उनका क्या संयोग रहता है और किस तरह से सर्कुलर फ्लो चलता है, तो ये हमने आज स्टडी किया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर कोई आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जहाँ लाइव क्लासेस में भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।